हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर के अंदर हम पैंक्रियाज को डिस्कस करने लगे हैं। याद रखिएगा कि पैंक्रियाज डाइजेस्टिव सिस्टम का भी हिस्सा है, ठीक है, और इसके साथ साथ ये जो है इंडोक्राइन सिस्टम का भी हिस्सा है। तो ये एक ड्यूल ग्लैंड है। आइए इसके मुतल्लिक मुकम्मल डिटेल पढ़ते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। इट इज़ ए कंपाउंड हेटरोक्राइन ग्लैंड having light tan or pinkish colors and it work as exocrine as well as endocrine। ये compound gland है जी। compound वो होता है जो दो या दो से ज्यादा different molecule से बना हुआ है। यहाँ दो या दो से ज्यादा different cell लगे हुए हैं, different cellों से मिलकर बना है, इसलिए हम इसको हेटरोक्राइन कहते हैं। ना तो इंडोक्राइन है ना एक्सोक्राइन है, बल्कि दोनों का मजमुआ है। इंडोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन भी है, इसलिए इसको हेटरोक्राइन का लफ्ज यूज होता है। और लाइट पिंकिश कलर या टिन की कलर का, इस तरह का जैसे मैंने ड्रॉ किया है, लाइट पिंकिश कलर में ये पाया जाता है। देखते हैं जनाब लंबाई कितनी है। इट इज अबाउट 12 to 15 cm लॉन्ग इन एडल्ट। इसकी लंबाई तकरीबन 12 से 15 सेंटीमीटर होती है एडल्ट यानी 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में। वेट की बात करें तो इट इज अबाउट 60 ग्राम एंड लीफ शेप, पत्ते की शक्ल का ग्लैंड है। यहां आप देख सकते हैं बिल्कुल एक पत्ते की शक्ल है, पत्ता भी ऐसा ही होता है, ठीक है, पत्ते की शक्ल का ग्लैंड है जो तकरीबन 60 ग्राम इसका वेट होता है। काफी हैवी ग्लैंड है। उसके बाद बात करें इसकी लोकेशन की, कहां पाया जाता है जनाब। इट इज लोकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। पेट की कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। इसके अपर पार्ट में यहां बिल्कुल डायफ्राम के नीचे स्टमक होता है और स्टमक के पीछे ये पैंक्रियाज पाया जाता है। असल में पैंक्रियाज का जो हेड है वो ड्यूडेनियम के, यहां अगर गौर करें ये ड्यूडेनियम आ रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा जिसे ड्यूडेनियम कहते हैं। ड्यूडेनियम का जो सी शेप पार्ट है उसके अंदर इसका हेड होता है और ये आगे की तरफ एक्सटेंड हो रहा होता है और जो है स्टमक के पीछे पाया जाता है। मेन बात ये है कि इट इज लोकेटेड इन द अपर एब्डोमिनल कैविटी इन द लेफ्ट साइड, थोड़ा लेफ्ट साइड के ऊपर एंड बिहाइंड द स्टमक, स्टमक के पीछे पाया जाता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो मॉर्फोलॉजी के लिहाज से इट इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स। मॉर्फोलॉजी कहते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को, बैरूनी बनावट को। बैरूनी बनावट के लिहाज से जो आपका पैंक्रियाज है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट्स होते हैं? नंबर 1 हेड, ये इसका हेड है, फिर इसकी बॉडी है, फिर इसका टेल है। हेड की बात करें, इट इज द ब्रॉडेस्ट पार्ट्स दैट लाइज इन सी शेप ऑफ ड्यूडेनियम। ड्यूडेनियम का ये जो सी शेप पार्ट है इसके अंदर लाइज करता है इसका हेड। और हेड जो है वो आपको पता है कि मैंने बताया कि सबसे ब्रॉडेस्ट यानी सबसे चौड़ा हिस्सा है। उसके बाद इसकी मेन बॉडी है। मेन पार्ट ऑफ द पैंक्रियाज इज लोकेटेड बिहाइंड द स्टमक। ये मेन पार्ट इसकी बॉडी है जो स्टमक के पीछे होती है। एंड द लास्ट एंड द नैरोएस्ट पार्ट इज द टेल। टेल एंड इट टचेस द स्प्लीन। इसकी जो टेल होती है वो आगे जाकर स्प्लीन को टच करती है, हमारे लेफ्ट साइड पर स्प्लीन होती है, तिली जिसे कहते हैं, उसे जाकर ये टच करता है। तो ये है जनाब इसकी मॉर्फोलॉजी। बात करते हैं एनाटॉमी के ऊपर, पैंक्रियाज एनाटॉमी और पैंक्रियाज के ऊपर बात करते हैं जनाब। एनाटॉमिकली पैंक्रियाज हैज 3 कंपोनेंट्स। एनाटॉमिकली बात करें तो पैंक्रियाज के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। अगेन 2 एक्सोक्राइन है और 1 एंडोक्राइन है। कौन कौन से 2 एक्सोक्राइन है? एक्सोक्राइन में पहले आते हैं जनाब ईस्टनी या ईस्टनर सेल्स और दूसरे होते हैं जनाब डक्ट सिस्टम। और याद रखिएगा कि पैंक्रियाज का 80-90% जो पार्ट है वो यही दोनों मिलकर आपस में बनाते हैं जो कि एक्सोक्राइन के तौर पर काम करते हैं, ईस्टनी और डक्ट सिस्टम। दूसरा 1 एंडोक्राइन पार्ट है जिसे हम आइसलेट ऑफ लंगरहान कहते हैं। आइसलेट ऑफ लंगरहान इसलिए कहते हैं जिस साइंटिस्ट ने पहली बार इसको डिस्कवर किया था उसका नाम आइसलेट था। और मास के लिहाज से अगर बात करें तो ये सिर्फ ओनली 2% या 2-5% कह सकते हैं बाय मास जो है वो पैंक्रियाज का हिस्सा बनाता है जनाब। अब इन तीनों कंपोनेंट्स को, जो 3 मेन कंपोनेंट्स हैं इसकी एनाटॉमी में, 1 by 1 डिस्कस करते हैं, उनको फंक्शन में डिस्कस करते हैं। पहले है जनाब ईस्टनी। यहां जरा आप गौर करेंगे, ये आपको जगह जगह में बंच ऑफ सेल्स जो नजर आ रहे हैं इन्हें ईस्टनी कहा जाता है। और इनके अंदर एक क्लस्टर ऑफ सेल इस तरह से लगा हुआ होता है। इस क्लस्टर ऑफ सेल को
हर एक सेल को जो है वो ईस्नार सेल कहा जाता है, ठीक है जी। ये जो एसनी है इसके एक सेल को ईस्नार सेल्स कहा जाता है, और ईस्नार सेल जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पर काम करते हैं। जब इस तरह से यहां मैंने थोड़े ड्रा किए हैं, लेकिन 20-40 के लगभग जो ईस्नार सेल्स हैं जब वो मिलकर एक बंच बना लेते हैं तो उस बंच को एसनी कहते हैं। जॉइंट्स टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एसनी एंड इट कंटेन टू मेन टाइप्स ऑफ सेल। किसी भी एसनी के अंदर भी दो टाइप्स ऑफ सेल होते हैं, एक इसके किनारों के ऊपर ये जो है ये ईस्नार सेल्स हैं, जबकि सेंटर में एक बड़ा सा सेल होता है जिसे सेंट्रल ईस्नार सेल कहा जाता है, सेंट्रल ईस्नार सेल्स। तो ईस्नार मेन पैंक्रियाटिक सेल्स विच सिक्रीट द पैंक्रियाटिक जूस एंजाइम, ये वो बाहर वाले जो बाहर वाले सेल हैं इनको मेन सेल्स कहा जाता है। ये मेन पैंक्रियाटिक सेल्स हैं जो कि पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करते हैं, उसका फ्लूइड सिक्रीट करते हैं, जबकि सेंट्रल ईस्नार सेल्स जो हैं दे आर स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल विच सिक्रीट द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। उस पैंक्रियाटिक जूस के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स यानी मिनरल्स निमकियात वगैरह पाए जाते हैं वो ये सेंट्रल सेल और कुछ डक्ट सिस्टम है, आगे हम जाके पढ़ेंगे, वो डक्ट्स जो हैं वो मिलकर ये सिक्रीट करते हैं जनाब। तो बात करते हैं जनाब डक्ट सिस्टम के ऊपर। द डक्ट सिस्टम इज दैट कैरी पैंक्रियाटिक जूस फ्रॉम सेल टू सॉरी फ्रॉम ईस्नार सेल्स टू द ड्यूडेनियम एंड टू द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये डक्ट सिस्टम, इसके अंदर देखें ये सारे डक्ट्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के डक्ट्स पाए जाते हैं, अभी मैं इनकी डिटेल आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डक्ट्स होते हैं। ये डक्ट सिस्टम क्या करते हैं कि ये पैंक्रियाटिक जूस को इन ईस्नार सेल से, इन गुच्छा जो सेलों के गुच्छे हैं क्लस्टर हैं उनसे ले लेते हैं और उसे एक बड़ी नाली के जरिए स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले से ड्यूडेनियम तक जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, ले जाते हैं। कौन कौन से सेल होते हैं जनाब, टाइप्स ऑफ डक्ट्स, डक्ट कितनी किस्म की है, देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ डक्ट्स, डक्ट की भी तीन मेन किस्में हैं। पहली को कहते हैं जनाब इंटरकैलेटेड डक्ट्स, यानी वो डक्ट्स जो डायरेक्टली ईस्नार सेल से निकलती हैं, ये वाली इन्हें इंटरकैलेटेड डक्ट्स कहा जाता है, और ये जो है ईस्नार सेल से पैंक्रियाटिक जूस को आगे लेकर जाती हैं। आगे जिन दूसरी नालियों के अंदर ये दाखिल होती हैं इन्हें कहा जाता है इंट्रालिब्यूलर डक्ट्स। सेकंड इज इंट्रालिब्यूलर डक्ट्स, दीज आर मीडियम साइज एंड मीडियम डक्ट्स दैट रिसीव द पैंक्रियाटिक जूस फ्रॉम इंटरकैलेटेड डक्ट्स। इंटरकैलेटेड डक्ट्स से जो जूस को रिसीव करती हैं उन्हें इंट्रालिब्यूलर डक्ट्स कहा जाता है, और याद रखिएगा यही इंट्रालिब्यूलर डक्ट्स जो हैं ये कुछ फ्लूइड भी पैदा करती हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ साथ। उसके अलावा सारी डक्ट्स जाकर एक बड़ी डक्ट में इकट्ठी होती हैं, उस बड़ी डक्ट को हम कहते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट, जो कि ट्रांसपोर्ट करके मटेरियल को, पहले ये मिलती है किसके साथ, बाइल डक्ट के साथ, एक कंबाइंड बाइल डक्ट बनाती है, और फिर कंबाइंड बाइल डक्ट के साथ ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले से ड्यूडेनियम के अंदर दाखिल होती है और डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करती है। तो ये जनाब इसका था एक्सोक्राइन पार्ट। थोड़ा सा हम इंडोक्राइन पार्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं। इंडोक्राइन पार्ट वो है जिसको किसी नाली की जरूरत नहीं है, ये वो ग्लैंड्स होते हैं जो डक्टलेस होते हैं, ये अपनी सिक्रीशन को डायरेक्टली ब्लड में शामिल करते हैं। तो ये एक्सोक्राइन के तौर सॉरी इंडोक्राइन के तौर पर अगर हम बात करें, देयर आर क्लस्टर ऑफ सेल्स एम्बेडेड इन पैंक्रियाटिक सेल्स, यहां गौर करें पैंक्रियाटिक सेलों के बीच में इस तरह से क्लस्टर ऑफ सेल्स जो हैं वो एम्बेडेड हुए होते हैं, जिनकी तादाद लगभग 1 बिलियन के करीब होती है, ठीक है। और इनको पहली बार जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उसका नाम था लैंगरहान, तो इसलिए इनको आइसलेट ऑफ लैंगरहान कहा जाता है, क्योंकि ये जजीरों की तरह दिखते हैं, पैंक्रियाटिक सेलों के बीच में जगह जगह ऐसे अजीब से जजीरे दिखते हैं और इन जजीरों को आइसलेट कहा जाता है, और जिसने डिस्कवर किया उसका नाम लैंगरहान था, उसके नाम पर इनको आइसलेट ऑफ लैंगरहान कहा जाता है। तो ये आइसलेट ऑफ लैंगरहान जो है ये एक्सोक्राइन सेल्स हैं, और ये एक्सोक्राइन के सॉरी इंडोक्राइन सेल्स हैं, और ये इंडोक्राइन के तौर पर काम करते हैं, ठीक है जी। देयर आर क्लस्टर ऑफ सेल्स दैट एम्बेडेड इन द पैंक्रियाटिक टिश्यूज एंड डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट कॉल्ड लैंगरहान, एंड दैट्स व्हाई दे आर नोन एज आइसलेट ऑफ लैंगरहान। दे आर अबाउट 1 मिलियन इन नंबर्स एंड मेक ओनली 2-5% ऑफ पैंक्रियाज इन मास। ये पैंक्रियाज का सिर्फ 2-5% हिस्सा जो है वो इनसे बना होता है, जबकि 80-95% हिस्सा जो है वो ईस्नार सेलों यानी एक्सोक्राइन पार्ट से बना हुआ होता है। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहान जो है ये भी चार किस्म के होते हैं। इन चार किस्म के सेलों के नाम है जनाब, पहला है जनाब अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल एंड एफ सेल्स को पीपी सेल्स भी कहा जाता है। सो अल्फा सेल्स दे सिक्रीट ग्लूकोगॉन्स हार्मोन व्हिच इंक्रीज द शुगर लेवल इन ब्लड। अल्फा सेल्स
पैंक्रियाज के अल्फा सेल जो है ये ग्लूकागॉन प्रोड्यूस करते हैं, जो कि क्या इंक्रीज करता है, ब्लड के अंदर शुगर लेवल को इंक्रीज करता है, ज्यादा ज्यादा शुगर को आंतों से एब्जॉर्ब करवाता है। इसके अलावा जो है बाकी जितने सोर्स होते हैं, लिवर से ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, उसे ब्लड में शामिल करता है। इसके अलावा बीटा सेल सिक्रीट इंसुलिन विच वर्क अगेंस्ट द ग्लूकागॉन। ठीक है जी, बीटा सेल जो है वो इंसुलिन पैदा करते हैं जो ग्लूकागॉन के अगेंस्ट काम करता है और ये ब्लड के अंदर शुगर लेवल को कम करता है। और आप जानते हैं थोड़ा बहुत, आप फिफ्थ पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं 10 में, कि अगर इंसुलिन की कमी हो जाए, इंसुलिन प्रोड्यूस ना हो, तो शुगर की बीमारी हो जाती है। उसके बाद डेल्टा सेल्स दे सिक्रीट सोमेटोस्टेटिन हार्मोन्स विच रेगुलेट द ग्लूकागॉन इंसुलिन। ये दोनों ग्लूकागॉन और इंसुलिन दोनों को कंट्रोल करता है। उसके बाद एफ सेल, जिनको पीबी सेल्स भी कहा जाता है, दे सिक्रीट द पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स दैट कन्वर्ट द लार्ज चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स या प्रोटीन्स इनटू स्मॉलर चेन्स। ये लार्ज पॉलीपेप्टाइड चेन्स को स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड चेन्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब चलते हैं जनाब डाइजेस्टिव फंक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस के डाइजेस्टिव फंक्शन, पैंक्रियाटिक जूस क्या है? इट इज अ कलरलेस ऑडरलेस एंड अल्कलाइन फ्लूइड्स दैट हैविंग पीएच 8, पीएच 7 टू 8 के करीब इसकी पीएच होती है। ना कोई कलर होता है, ना कोई भू होती है, अलबत्ता ये अल्कलाइन होता है। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि अल्कलाइन किसकी वजह से होता है, इसके अंदर एक खास सिक्रीशन होती है। एवरी डे अबाउट 500 टू 800 ml ऑफ पैंक्रियाटिक जूस इज सिक्रीटेड इन डाइजेस्टिव सिस्टम। 500 से 800 ml ये MCQs के लिए बड़ा अहम है, सिक्रीट होता है, एंड विच मेनली कंटेन द वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स एंड लाइसोजाइम आइसोजाइम्स यानी पैंक्रियाटिक एंजाइम्स। इसके अंदर खासतौर पर पानी, कुछ मिनरल नमकियात और आइसोजाइम्स यानी पैंक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं। और वो पैंक्रियाटिक एंजाइम मेन काम करते हैं, कौन कौन से होते हैं, फंक्शन पर बात करते हैं। इट कंटेन डिफरेंट केमिकल्स विच परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। नंबर वन, बाइकार्बोनेट यानी HCO3, बाइकार्बोनेट आयंस इसमें होते हैं। इट इज अल्कलाइन इन नेचर एंड न्यूट्रलाइज द एसिडिक काइंस इन इंटेस्टाइन्स एंड रेगुलेट द पीएच इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है जी, बाइकार्बोनेट अल्कलाइन होते हैं और ये जो है जब सिक्रीट होते हैं पैंक्रियाटिक जूस के अंदर, तो ये जो मैदे के अंदर से एसिडिक काइम आता है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं और उसको बेस बनाते हैं ताकि बाकी आने वाले एंजाइम इस पर काम कर सके। Amylase, it digests the carbohydrate and secretes it in active form. ठीक है जी, amylase जो है ये कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और ये वाहिद हार्मोन है जो के सिक्रीट होता है एक्टिव फॉर्म में। उसके बाद जनाब लाइपीज, इट इज फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स एंड चेंज फैट सम स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट इनटू फैटी एसिड, कुछ थोड़ी सी फैट को ये फैटी एसिड में बदलता है। ट्रिप्सिन एक और है, इट इज प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स दैट इज सिक्रीटेड इन इनएक्टिव फॉर्म्स एंड कॉल्ड ट्रिप्सिनोजेन एंड इट इज एक्टिवेटेड बाय इंट्रोकाइनेसिस इन ड्यूटीनियम। ड्यूटीनियम के अंदर एक एंजाइम होता है जिसे इंट्रोकाइनेसिस एंजाइम कहा जाता है और वो इस ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करके उसे एक्टिव करता है और फिर वो जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। आखिरी है जनाब प्रोटीजेस, it is also protein digesting enzymes and is also secreted in inactive forms and need proteolytic enzymes for activation. isko bhi activate karne ke liye kuch proteolytic enzymes ki zarurat hoti hai, un proteolytic enzymes ki wajah se ye jo hai wo activate ho jata hai. shortly review karte hain, pancreas ek dual gland hai jo ke hamare stomach ke piche paya jata hai. teen hisse hote hain, head, body, tail. anatomically दो किस्म की चीजों से बना हुआ है, एक्सोक्राइन इंडोक्राइन। एक्सोक्राइन में ईस्नार सेल ईस्नाई या ईस्नार सेल्स और डक्ट सिस्टम होता है, जबकि इंडोक्राइन के अंदर आइसलेट्स ऑफ लंगरान होते हैं। एसनी जो है ये खास किस्म के सेल्स होते हैं, क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं जो कि एक्सोक्राइन के तौर पर काम करते हैं और ये पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करते हैं। इनकी दो किस्में हैं, ईस्नार सेल्स और सेंट्रल ईस्नार सेल्स इसके अंदर होते हैं जो मेनली पैंक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करते हैं। उसके बाद डक्ट सिस्टम होता है जो कि पैंक्रियाटिक जूस को